আজকে এই সমারোহকে আয়োজনকর্তা মঞ্চ পর বেঠে আপনে ক্ষেত্রকে পুরোধা জিনকো কোই পরিচয় জিনকা পরিচয় নেই করা সকতা সন্দীপ পাটিল জি চলচ্চিত্র আর ক্রিকেট এসি দো বিধায় जो हर पीढ़ी के हृदय मन मस्तिष्क पर अंकित होती हैं और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ के चली जाती हैं। संदीप पाटिल जी भी अपने क्षेत्र के ऐसे ही जाजुलमान प्रतीक हैं। मुझे बड़ा कौतूहल होता है, ढाई दशकों से लगातार मैं भारत की संसद में हूँ। इन ढाई दशकों में मैंने कई राष्ट्रपति बदलते देखे, कई प्रधानमंत्री बदलते देखे, कई खिचड़ी प्रधानमंत्री देखे, कई प्रधानमंत्री ऐसे देखे जो प्रधानमंत्री पद पर थे लेकिन अपने दल के नेता के निजी सचिव की सलाह पर काम करते देखे। तो भारत के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ अनेकता में एकता है, लेकिन इसके साथ भारत की एक और विशेषता है कि भारत में प्रधानमंत्री खिचड़ी हो, भारत में प्रधानमंत्री कमजोर हो, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा मजबूत हो, लेकिन फिर भी भारत रुकता नहीं, भारत चलता है। और भारत प्रधानमंत्रियों से नहीं चलता, भारत भारतीयों से चलता है। और भारत छोड़ दीजिए, विश्व भारतीयों से चलता है। अमेरिका का नासा भारतीयों से चलता है, नए नए प्रयोग भारतीयों से होते हैं। जिस डिजिटल इंडिया की बात आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज करने के लिए मैं सैन डिएगो में एक बार गया, कैलिफोर्निया में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को के पास, तो वहाँ पर मुझे कोई गोरा टेक्नोलॉजी के बिजनेस में काबिज नहीं दिखाई दिया। सब भारतीय मूल के लोग दखल करके बैठे थे। और ट्रंप को चिंता यही है, इसलिए नए नए कानून बना रहे हैं। सामान्य रूप से अगर पति है तो पत्नी को भी नागरिकता मिलती है, पत्नी नागरिक है तो पति को भी मिलती है। सभी नियमों का आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। उचित स्थिति तो ये होती है कि चीन और भारत मिल जाते हैं। चीन और भारत अगर मिल जाएं, क्योंकि एक तो पड़ोसी है, दूसरे परंपरागत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी एक है। भले वहाँ पर वामपंथी आकर के धर्म का विनाश करने पर तुले हों, लेकिन चीन के मूल में अभी भी भगवान बुद्ध हैं और बुद्ध की बौद्धिकता भारत से, वो भी हमारे आज के दिन बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के से आरंभ हुई थी। ऐसी स्थिति परिस्थिति में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो कहते हैं ना कि तीन कहावत है, माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परसरा। जब आदमी कुछ उपलब्धि नहीं होती है और अपने घर में अपने मोहल्ले में वो ऐसे ही जीवन जीता है तो लोग बोलते हैं परसा इधर आ, उसी को जब नौकरी मिल जाती है तो रातों रात महत्वपूर्ण हो जाता है, कहते हैं परसी यार कैसे हो, दोस्तों को भूलना मत। और जब बहुत सफल हो जाता है तो परशुराम भी आपको प्रणाम करते हैं। तो आदमी जब पेट भर जाता है, सफल हो जाता है, तो चाहता है कि उसके भरे पेट और जीवन की सफलता के मापदंड का मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से हो, उसे सम्मानित और पुरस्कृत किया जाए। मानव की इसी भावना के अनुरूप इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और ये सिर्फ उद्यमियों का स्वप्न नहीं, सिनेमा वालों का भी होता है, इसलिए फिल्म फेयर होता है, आईफा होता है। और स्तुति तो ईश्वर को भी पसंद है कि हनुमान जी मेरा काम करना, 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। ईश्वर को भी स्तुति चाहिए, प्रार्थना चाहिए, तो मानव समाज को स्वीकृति चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व उद्यम का काम करके आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।
और आप लोगों का सम्मान और स्वीकृति है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ इतनी दूर से चल के सारे देश से आया है, उसको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ जो पुरस्कृत होगा। जो पुरस्कृत नहीं होगा उसको भी बधाई देता हूँ कि वो यहाँ सम्मिलित हुआ है भविष्य में पुरस्कार लेने की प्रेरणा के साथ। और एक आश्चर्य और कौतूहल व्यक्त करते हुए यहाँ से हटूँगा। पिछले 9 साल से मैं सत्ता में नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं सत्ता में नहीं, मेरा कैलेंडर भरा रहता है। तो यहाँ बैठे बैठे एक क्षण के अंदर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो संदीप भाई भी बहुत दशकों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन खिलवा रहे हैं। तो राजनीति में आप सक्रिय रहिए या नहीं रहिए, तो एक बार आप राजनीति में चले जाते हैं तो या तो राजनीति करते हैं या लोगों से करवाते हैं, या जो कर रहे हैं उनसे राजनीति बंद करवाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप कंबल को छोड़ना चाहें, कंबल आपको नहीं छोड़ता। आप प्रवेश अपनी मर्जी से करते हैं, जाना आपको आप सबकी मर्जी से होगा। जब तक आप हमें भेजेंगे नहीं तब तक हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार लगातार चाहूँ ना चाहूँ आप लोग बुलाते हैं और हम चले आते हैं। आप लोगों के स्नेह आमंत्रण के लिए, आप लोगों की पुकार के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को एक बार फिर अग्रिम बधाई देता हूँ। आपने मुझसे सवाल किए, आदरणीय अमर सिंह जी, इनको सवाल नहीं आपने पूछा, लेकिन आपकी तरफ से मैं एक सवाल पूछता हूँ। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, राजनेताओं से ज़रूर संबंध रहा है। पिछले साल हम मिले थे, इतने सालों से सर हमारे जैसे जो खिलाड़ी है, हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब भी जभी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है आप उसके पीछे खड़े होते हैं, लेकिन मदद देने के बाद ये सारे हट जाते हैं, ऐसा क्यों? संदीप भाई ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का अगर मैं दृष्टांत के साथ उत्तर देने बैठूं तो इस पूरे समारोह का स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि बहुत घटना है, लेकिन एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं, उससे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में माता काली के अनन्य भक्त थे, और कहते हैं उनकी सिद्धि इतनी जागृत थी कि हठ योगी थे, काली को अपने स्वरूप में आना पड़ता था, उन्हें अपने हाथ से भोग लगाते थे। तो एक वृक्ष के नीचे तपती धूप होती थी, वहाँ साधना करते थे, और जहाँ वो साधना करते थे रोज वहाँ बहुत बिच्छू आ जाते थे। तो स्वामी जी उन बिच्छुओं को अपने हाथ से उठाते थे और उठा करके एक दूसरे पेड़ की छाया में उनको रखते थे। उस पूरी पद्धति में बिच्छू उनको डंक मारते रहते थे, वो डंक सहते रहते थे। तो उनके शिष्य विवेकानंद जी ने पूछा बंगला में, प्रत्येक दिन आशो लिए जाओ एरा तुम्हारे मारछे तो तुम्हें मार खाचो कैन कोचो एटा, कि रोज आते हो बिच्छू को उठाते हो, डंक मारता है वहाँ रखते हो छाँव के नीचे, ऐसा क्यों करते हो स्वामी? स्वामी जी हंसने लगे, कहने लगे, ओरा जोन में चे ঠাকুর দিয়েছে ওদের এই স্বভাবটা, আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি আমাকে দিয়েছে এই স্বভাবটা। সাপ গরুর দুধ খুব ভালোবাসে খায়, গরুর মতন সোজা মানুষ কেউ হয় না, কিন্তু গরুর দুধ খেয়ে ও সবাইকে কাটে। দুনোকা স্বভাব আপনা আপনা স্বভাব দেখে ঈশ্বর নে হাম সবকো পয়দা কিয়া। मुझे यह स्वभाव दिया कि मैं किसी का कष्ट नहीं देख सकता, ये बिच्छू को मैं विस्थापित कर रहा हूँ तो उसको छाया दे रहा हूँ, ये काटना इसका स्वभाव है, भगवान ने उसको काटने का स्वभाव देकर पैदा किया। और देखो ना,
गाय इतनी पवित्र है, सबको दूध देती है और दूध बहुत पसंद है सांप को। दूध दे दो तो खूब आराम से पिएगा, लेकिन पी के ऐसे काटता है कि लोग मर जाते हैं। तो ये स्वभाव की बात है। और जो मानव है वो काम क्रोध लोभ मोह, उसमें हम भी आप भी हम सब इससे ग्रसित हैं, लेकिन हम मर्यादित हैं इसलिए हम सभ्य हैं। हम जो अमर्यादित हैं वो निर्भया कांड करते हैं, तिजोरी तोड़ करके लुटेरे बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि तो ये जो चार भावनाएं हैं काम क्रोध लोभ मोह, इसकी अतिरिक्तता जिसमें होती है वो कहता है कि अपना काम बनता भार में जा जनता। और ऐसे ही लोगों के लिए एक बड़े अच्छे कवि ने लिखा है, क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, और आदमी माल जिससे खाता है प्यार जिससे पाता है उसके ही सीने में भोक्ता कटार है। तो फिर क्या करें भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, कहीं कोई चाकू लेके नहीं खड़ा हो, ऊपर ही नहीं कोई विस्फोट न कर दे, आतंकवाद का जमाना है, नीचे भी बाएं नहीं, सौभाग्य से आज आप बैठे हैं बाएं, दाएं भी।